हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस की 98 में। और आज क्लास नंबर कितना है? 3। क्लास आज कितना है? 3। आज भी आपका टॉप 40 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है और बैंकिंग तथा रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है। 2018 से लेकर 2019 के बीच में जितना भी एग्जाम हुआ था उसके बीच में ये क्वेश्चन लिया गया है, और ये सारा क्वेश्चन आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। क्लास के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको ये मिल जाएगा और टेलीग्राम में भी आपको मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। क्लास क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 81, ठीक है। 80 तक आपका कंप्लीट हो चुका है और आज आपका 81 से क्लास स्टार्ट होगा। पेन और पेपर लेकर बैठ जाए और अपने आप को जज जरूर करें। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित गैसों में से किसका उच्चतम कैलोरी मान होता है? ऑप्शन क्या दिया गया है? हाइड्रोजन, एलपीजी, नेचुरल गैस या मीथेन। इनमें से चार ऑप्शन दिया गया है। पूछा गया है कि सबसे ज्यादा कैलोरीफिक मान किसका होता है, तो हाइड्रोजन का होता है, ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा क्या होता है? कैलोरीफिक मान होता है। ये सारा क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है और सारा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 2018 से 2019 के बीच में जितना भी एग्जाम हुआ था एसएससी का, बैंकिंग का और रेलवे का। जैसे रेलवे में तो आपको मालूम ही है 3-4 एग्जाम हुआ था, आरपीएफ हो गया, उसके बाद क्या था, एएलपी हुआ था, ग्रुप डी हुआ था, और क्या हुआ था आपका, एसआईआरपीएफ एसआई भी एग्जाम हुआ था। ये सारा एग्जाम में और जेई का एग्जाम में जितना भी एग्जाम हुआ था खासकर रेलवे के लिए, सारा क्वेश्चन यहां से उठाया गया है और सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे के किस भाग में हमें कॉफी मिलती है? पौधे के किस भाग से हमें कॉफी मिलती है? बार्क, पत्तियां, जड़े या बीन्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बीन्स, ऑप्शन डी बीन्स। बीन्स से क्या होता है, हमें कॉफी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अदृश्य दरार या एक छेद का पता लगाने के लिए एक धातु ब्लॉक के अंदर भेजे गए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? वेव प्रोड्यूसर कहा जाता है या डिटेक्टर कहा जाता है, रिफ्लेक्टर या एब्जॉर्बर। उसे डिटेक्टर कहा जाता है, ऑप्शन बी डिटेक्टर। इसका मतलब क्या होता है? जो पहचान पाए, ठीक है, डिटेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सुगर केन किससे मिलकर बना होता है? सुगर केन कंटेंस गन्ना में शामिल होता है। ऑप्शन क्या दिया है? ग्लूकोज गैलेक्टोज, ग्लूकोज मल्टोज, ग्लूकोज सुक्रोज और ग्लूकोज फ्रुक्टोज। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। बहुत बार क्या होता है स्टूडेंट से ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे डाउट होता है कि ग्लूकोज के साथ क्या दे, फ्रुक्टोज दे या मल्टोज दे या गैलेक्टोज दे, यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत लोगों को होता है, ठीक है। तो आज मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक को आप लोग याद कर लेना, कभी नहीं भूलेंगे। क्या है गन्ना? तो गन्ना किनसे मिलकर बना होता है, या ये बोल सकते हैं कि इसमें क्या शामिल होता है? तो पहला क्या होता है? ग्लूकोज होता है, ठीक है, ग्लूकोज। और दूसरा क्या होता है? फ्रुक्टोज होता है, प्लस फ्रुक्टोज। अब इसके याद कैसे करें? तो G4 क्या है? गन्ना, ठीक है, और F4 फसल। गन्ना क्या आपका एक फसल है, तो ये ट्रिक आपको याद कर ले, कभी नहीं भूलेंगे। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म का आणविक सूत्र क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और आपको कमेंट करके बताना है कि क्लोरोफॉर्म का रासायनिक नाम क्या होता है। यहाँ पे आपको सूत्र पूछा गया है, कमेंट में बताना है कि रासायनिक नाम क्या होता है। CCl4, CHCl3, CH4 और क्या दिया है? C2H6। तो क्या होगा? क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? CHCl3। और इसका नाम क्या, आपको कमेंट करके बताओ। ऑप्शन क्या दिया गया? बी। इसका रासायनिक नाम क्या है? कार्बन टेट्राक्लोरोमीथेन, ठीक है, इसको आपको याद कर ले, कार्बन टेट्राक्लोरोमीथेन। पदार्थों के रासायनिक नाम एक आपको क्लास दिया गया था, ठीक है, कि सभी पदार्थों के रासायनिक नाम, वो क्लास आप लोग सक्सेस की 98 के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं जीएस के, ठीक है।
प्लेलिस्ट में जाकर, जीएस के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहां पे आपको ये मिल जाएगा। रावण वन किस देश का पहला अनुसाधन उपग्रह है? ऑप्शन क्या दिया, श्रीलंका, इंडिया, चाइना और इंडोनेशिया। तो नाम से आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? रावण वन, ऑप्शन ए श्रीलंका, ठीक है, ऑप्शन ए श्रीलंका। अपवर्तन कोण के साइन के लिए घटना के कोण के साइन का अनुपात, यहाँ पे ये पूछा गया आपको। क्वेश्चन बहुत लेंदी है, ठीक है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको समझना है। जब एक सरफेस पे एक लाइट आपतित होता है तो परावर्तित हो जाता है, ठीक है, सेम एंगल पे आपको बताया गया था। ये क्या आपका अभिलंब है, अभिलंब, इसे हम लोग अभिलंब कहते हैं। तो जितना एंगल इससे बनाता है उतना एंगल क्या होता है इससे बनाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, आपतित कोण, और इसे परावर्तित कोण, ठीक है। ये हो गया आपका किरण और ये हो गया कोण, तो आपतित कोण, आपतित कोण और परावर्तित कोण क्या होता है, यह हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो स्नेल्स लॉ ने क्या बताया था, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, इन्होंने क्या बताया था कि साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर इज इक्वल टू म्यू, दैट इज कांस्टेंट, विच इज कॉल्ड कांस्टेंट। यह बताया गया है कि आपतित कोण का साइन डिवाइडेड बाय परावर्तित कोण का साइन अगर हम साथ में लेंगे तो क्या होगा, वो म्यू का वैल्यू देगा। म्यू क्या होता है आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये पदार्थ का क्या होता है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और एयर के लिए कितना होता है, वन होता है। तो यहाँ पे दोनों क्या होता है, इक्वल हो जाता है। अगर हम लोग मान लिया जाए, हम लोग ये एयर में एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो म्यू कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो साइन आई इज इक्वल टू क्या होगा, साइन आर, तो साइन साइन कैंसिल, तो आई इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, आर आ गया। तो ये किसने दिया था, स्नेल्स लॉ ने दिया था, ठीक है, ऑप्शन डी। जब हम एक हथौड़ा के साथ एक मांसपेशियों को लागू करते हैं तो कौन सा बल दीवार में कीलों को ठीक करता है, कौन सा बल, अगर एक कील को दीवार के ऊपर एडजस्ट किया जाए, ठीक है, एडजस्ट किया जाए, तो कौन सा बल उसे एडजस्ट करता है, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स एडजस्ट करता है, जिसे हम लोग घर्षण बल करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, ऑप्शन क्या दिया, सी। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। स्प्रिंग को यहाँ पे आपको ऑप्शन एक क्या दिया, स्प्रिंग फोर्स दिया था, स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगता है, स्प्रिंग में लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ लगता है, चार्ज में लगता है। बचा फ्रिक्शन, तो वो क्या कहाँ लगेगा, यहाँ पर। और डी में क्या दिया, मैग्नेटिक फोर्स, तो वो आपका मैग्नेटिक फील्ड में लगता है। तो ये अनुमान लगाकर भी आप लोग आंसर दे सकते हैं। मानव के किस अंग में लैंगरहैंस के आइलेट्स होते हैं, मस्तिष्क में, पित्ताशय में, यकृत में या अग्नाशय में, तो क्या होगा, पैंक्रियाज, अग्नाशय में होता है, ऑप्शन डी, पैंक्रियाज, अग्नाशय, पैंक्रियाज, ठीक है। जब एसिड धातु कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, जब एसिड धातु कार्बोनेट, यहाँ पे क्वेश्चन सही से पढ़ना है, ठीक है, यहाँ पे ये पूछा गया है कि जब एसिड धातु कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑल ऑफ दिस। तो कैसे हम लोग देखेंगे, तो कोई भी हम लोग एसिड देते हैं, जैसे मान लिया जाए HCl, HCl हम लोग एक एग्जाम्पल में ले सकते हैं, ठीक है, समझने के लिए। ऐसे तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, ऑल ऑफ दिस, क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। अब कैसे होगा ये आपको बताना है। हम लोग एसिड लेते हैं जिसको हम लोग HCl मान लिए, प्लस क्या बोला है, धातु कार्बोनेट, मतलब मेटल कार्बोनेट, तो मेटल कार्बोनेट जैसे मेटल ये सोडियम और उसके साथ कार्बोनेट जोड़ दिए, तो ये क्या बन गया, मेटल कार्बोनेट। अब ये आपका क्या होगा, ये आपका रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, वही आपको बताना है। तो अगर ये दोनों रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, यहां से Cl और यहां से सोडियम निकल गया तो क्या बना, NaCl बना, यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, ठीक है, NaCl बना। उसके बाद क्या बनेगा, ये CO3 बचेगा और यहाँ से H बचेगा, तो दोनों को जब एक दूसरे का रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, H2O बनेगा प्लस CO2 बनेगा, H2O बना प्लस क्या बना, CO2 बना। तो ये तीन चीज आपका यहाँ पर बनेगा। तो NaCl क्या है, लवण है, जिसको हम लोग सॉल्ट बोलते हैं। H2O क्या है, जल,
और ये क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया था ए बी सी तीनों आपका सेटिस्फाई होता है तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ऑल ऑफ दिस इसको नोट कर ले बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा रिएक्शन आपके एग्जाम में आ भी सकता है इसको नोट कर ले। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है मवेशिया में मुंह और पैरों के रोग किसके कारण होते हैं कवक पेनिसिलिन वायरस या बैक्टीरिया किसके कारण होता है तो बहुत इजी क्वेश्चन है वायरस के कारण होता है। ठीक है ऑप्शन सी वायरस वायरस के कारण होता है। ये सब एक एक लाइन का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। ठीक है बहुत इजी क्वेश्चन है और अभी तक इतना क्वेश्चन आपको करा दिया गया है साइंस में जनरल साइंस में एग्जाम के लिए काफी है। ठीक है बहुत ज्यादा है और आप लोग इसको डेली पढ़े। ठीक है डेली 50 से 100 क्वेश्चन डेली पढ़े ताकि आपका प्रैक्टिस चालू रहे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है 250 डिग्री सेल्सियस पर पानी की भौतिक स्थिति क्या होती है। यहाँ पे ये पूछा गया है कि पानी का फिजिकल स्टेट बताना है नॉट केमिकल स्टेट। ठीक है फिजिकल स्टेट पानी कैसा होगा जल कैसा होगा 250 डिग्री सेल्सियस पर। तो हम लोग को मालूम है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है जल वाष्प बन जाता है। क्या बन जाता है वाष्प बन जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पर मतलब ये किसका रूप ले लिया है गैस का रूप ले लिया है। तो ये 250 कितना है 250 इससे बहुत ज्यादा है क्या है बहुत ज्यादा है तो क्या होगा ये गैस के फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है तो ऑप्शन हमारा क्या होगा लिक्विड प्लाज्मा सॉलिड या गैस ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है गैस इसको नोट कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक परिवर्तन है यानी यहां पूछा गया कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है फिजिकल चेंज नहीं है तो ऑप्शन के अनुसार हम लोग को बताना है मेल्टिंग ऑफ सॉलिड्स टू लिक्विड और क्या दिया है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस टू लिक्विड। पहला क्या दिया है तरल पदार्थों के ठोस पदार्थों का पिघलना दूसरा दिया है तरल पदार्थों को गैसों का द्रवीकरण और तीसरा दिया है पदार्थों का किण्वन फर्मेंटेशन हम लोग जिसे बोलते हैं और चौथा क्या दिया है वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड टू गैस। तो ये देखकर हम लोग को क्या लगता है ए बी सी ए बी और डी ये हमारा क्या है फिजिकल अपीयरेंस ये क्या है हमारा फिजिकल अपीयरेंस है मतलब फिजिकल चेंज है ये देखकर ही लगता है कि ये क्या है इसका रूप चेंज हो गया है तो ये फिजिकल चेंज है ऑप्शन सी हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी फर्मेंटेशन ऑफ सब्सटेंस पदार्थों का किण्वन। यहाँ पे आपको ये पूछा गया है कि कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है या इसका मतलब कि रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है ये क्वेश्चन यहाँ उल्टा पूछा गया घुमा दिया गया है रासायनिक परिवर्तन पूछा गया है अगर भौतिक परिवर्तन नहीं होगा तो क्या होगा रासायनिक परिवर्तन होगा तो पदार्थों का किण्वन क्या होता है रासायनिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल GWP की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है ऑप्शन क्या दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन ओजोन या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन ए CO2 ऑप्शन ए। INS विक्रमादित्य एक है INS विक्रमादित्य क्या है एयरक्राफ्ट कैरियर मेन बैटल टैंक सबमरीन या जेट फाइटर। तो INS विक्रमादित्य क्या आपका एयरक्राफ्ट कैरियर है ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सफेद प्रकाश के निम्नलिखित में से किस रंग में अधिकतम तरंग दैर्ध्य होता है मतलब ये पूछा गया है कि व्हाइट रे में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है तो रेड कलर का होता है। किसका होता है रेड कलर का लाल रंग का होता है वेवलेंथ। ऑप्शन क्या दिया गया है सी दिया गया है सबसे ज्यादा वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं तरंग दैर्ध्य तरंग दैर्ध्य। ठीक है और आपको मालूम है कि कैसे हम लोग पहचानते हैं जैसे मान लिया जाइए एक प्रिज्म है प्रिज्म से अगर हम एक लाइट को पास कराएंगे तो क्या होगा ये सात रंगों में बढ़ जाता है सात रंगों में कौन कौन सा विबजियोर 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 कलर में क्या होता है बढ़ जाता है ये होता है विबजियोर इसे हम लोग विबजियोर
कहते हैं। ये हो गया बैंगनी, ये हो गया रेड। तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य किसका होता है? रेड कलर का, और सबसे कम किसका होता है? बैंगनी कलर का। ठीक है, ध्रुव तारा एक स्थान पर स्थिर क्यों दिखाई देता है जबकि अन्य सभी तारे पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हुए प्रतीत होते हैं? ऐसा क्यों होता है? तो ध्रुव तारा कहां पर रहता है? पोल पर रहता है। ध्रुव का मतलब क्या होता है? पोल। तो हम लोग ऐसा मान लिया जाए ये अर्थ है, ठीक है, और ये क्या है? आपका पोल है। ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस पर ये पृथ्वी क्या होता है? घूमता है। एक तो आपका क्या होता है? ऑर्बिट होता है, और ये क्या होता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन, अपने एक्स पर घूमता है। तो ये क्या है? इसे हम लोग बोलते हैं पोल। अगर मान लिया जाए, प्रैक्टिकल हम लोग करके देखेंगे, यहाँ पे किसी भी वस्तु को रख देते हैं और कोई स्फीयर लेते हैं, इसको अगर घुमाएंगे तो क्या होगा? ये इसको अगर रोटेट करेंगे तो क्या होगा? ये वस्तु जहां पर है वहीं पर रहेगा, और ये सब क्या होगा? आपका चेंज होते रहेगा। तो पोल पर कोई भी तारा रहता है स्टार, तो क्या होता है? कभी अपना स्थान चेंज नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ठीक है, क्योंकि ध्रुव तारा पृथ्वी की धुरी की दिशा में स्थित है, जिस पर पृथ्वी घूमती है, मतलब इस पर पृथ्वी घूमती है ध्रुव पर। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ऑक्सीजन के अभाव में एनारोबिक बैक्टीरिया द्वारा पानी के नीचे पड़े वनस्पति पदार्थों से पदार्थों के अपघटन से पृथ्वी के नीचे कौन सा जीवाश्म ईंधन बनता है? कौन सा जीवाश्म ईंधन बनता है? कच्चा तेल, पेट्रोल, कोयला या प्राकृतिक गैस? तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस बनता है, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। कौन सी डिवाइस ध्वनि तरंगों की विद्युत संकेत में परिवर्तित करती है? माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, हेडफोन या एम्पलीफायर? बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बता सकते हैं। क्या होगा? माइक्रोफोन, ऑप्शन ए, माइक्रोफोन। ट्यूबरक्लोसिस एक प्रकार का रोग है, बीमारी है, जिसे हम लोग तपेदिक भी कहते हैं और क्षय रोग भी कहते हैं, ठीक है। तो हिंदी में बहुत ऐसा नाम है, इसलिए आप इंग्लिश में खासकर इसको याद कर ले। ट्यूबरक्लोसिस किस में होता है? लंग्स में होता है, ऑप्शन ए, लंग्स, फेफड़ा, ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम लोग क्षय रोग भी कहते हैं या तपेदिक बोलेंगे, ठीक है, ये सब नोट कर ले आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पूछा गया है कि किसकी संख्या परमाणु के द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या के अंतर के बराबर होता है? तो किसकी संख्या होता है? अंतर पूछा गया, यहां पे सम नहीं पूछा गया, ठीक है, जोर नहीं पूछा गया, क्या पूछा? अंतर। तो यहां पे न्यूट्रॉन आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है? मास नंबर, मास नंबर में सब लोग क्या कैंसिल करते हैं? एटॉमिक नंबर, ठीक है, ये हमारा क्या होता है? न्यूट्रॉन का बराबर होता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23। अब ऐसे पूछा जाए कि किस इसमें कितना न्यूट्रॉन हो, तो क्या करेंगे हम लोग? 23 में से 11 को माइनस करेंगे तो कितना आया? 12। तो ये क्या है? न्यूट्रॉन है, ठीक है, और 23 आपका क्या होता है? मास नंबर, और ये एटॉमिक नंबर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। वजन की एसआई इकाई क्या है? सेकेंड, किलोग्राम, मीटर या न्यूटन? वजन की एसआई इकाई पूछा गया है, वेट का एसआई इकाई। तो यहां पे किलोग्राम नहीं होगा, ठीक है, इस ये किसका एसआई इकाई होता है? मास का होता है। यहां पे वजन पूछा गया है, तो वजन किसका होता है? वजन को हम लोग क्या बोलते हैं? डब्ल्यू, डब्ल्यू बराबर एमजी। तो वजन भी एक तरह का हमारा क्या है? फोर्स है, ठीक है, ये एक तरह का क्या है? बल है। तो इसका भी यूनिट क्या होगा? न्यूटन होगा, किलोग्राम नहीं होगा, किलोग्राम मास का होता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, वेट हम लोग जिसके कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? कौन सी बीमारी पैरों के अतिरिक्त सूजन का कारण बनती है? ट्यूबरक्लोसिस, एलिफेंटियासिस और क्या दिया है? कुष्ठ, हैजा, लेप्रोसी या कोलेरा? तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, फिलपॉ, जिसे एलिफेंटियसिस कहा जाता है, ऑप्शन बी, फिलपॉ। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें भी आपको
टाइम नहीं देना है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है, ऑप्शन सी। अब इसमें भी आपको ऑप्शन नहीं देखना है, ठीक है, क्लोरोफिल। हाँ, अगर एक क्वेश्चन और इसमें ऐड कर दिया जाए, ये पूछा जाए कि कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा मात्रा में क्लोरोफिल में रहता है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम। ये क्वेश्चन आपको बताया गया था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा नहीं है कि हर बार आपको यही क्वेश्चन पूछा जाए कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो क्लोरोफिल तो सभी को मालूम है, लेकिन क्लोरोफिल में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन होता है? तो मैग्नीशियम होता है। ये बहुत कम लोगों को मालूम है, तो ये सब आपको एग्जाम में आता है। यौगिक CH3 CH2 CH3 का IUPAC नेम क्या है? तो आपको बताया था हम कैसे इसको निकालते हैं, तो क्या दिया है? CH3 CH2 और क्या दिया है? CH3। तो यहाँ पे कितना कार्बन है? तीन कार्बन है, और हाइड्रोजन कितना है? 3, 6, 2, 8 है। ये किसका सूत्र है? किस फॉर्मूला में सेट होता है? CnH2n+2 इस फॉर्मूला में सेट होता है। यहाँ पे n के जगह 3 बैठाएंगे तो क्या होगा? C3 और यहाँ पे H8 हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला होता है? अल्केन का, आपको बताया था, अल्केन का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे कितना कार्बन है? 3 कार्बन है, कार्बन कितना है? 3। तो यहाँ पे ये तो हमारा सेम होगा, ठीक है, अल्केन केन हमारा सेम होगा, इसको चेंज कर देंगे तो 3 कार्बन के लिए क्या होता है? प्रोप लगता है, तो क्या हो जाएगा? इससे क्या बन गया? प्रोपेन। बात समझ में आया? ये सब आप लोग इसको नोट कर लें। ऑप्शन क्या होगा? ए, प्रोपेन। एक अवतल लेंस के प्रमुख अक्ष के समानांतर वस्तु से प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस के एक ही तरफ किस बिंदु से विचलन हो जाता है या विचलन होता हुआ प्रतीत होता है? तो अगर ये क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप लेंस का क्लास देख सकते हैं, ठीक है, लेंस का क्लास आपको दिया गया था, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, सक्सेसी 98 के प्लेलिस्ट में जाकर GS में जाएंगे तो वहां पर जाकर आपको मिल जाएगा, ठीक है, लेंस का क्लास, वहां पर सारा ये डाउट बता दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रिंसिपल फोकस। सारा कॉन्सेप्ट बता दिया गया, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, सारा कॉन्सेप्ट बता दिया गया। इनमें से कौन सी बीमारी संक्रमक नहीं है? ठीक है, संक्रमक बीमारी नहीं है, एक होता है संक्रमक बीमारी और एक होता है संक्रमक बीमारी नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है हैजा, खसरा, मलेरिया या मधुमेह, जिसे हम लोग डायबिटीज कहते हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, डायबिटीज, मधुमेह, ये एक तरह का क्या है? संक्रमक बीमारी नहीं है, ठीक है। मांसपेशिया का वह भाग जो संकुचन बनाने के लिए छोटा होता है वह कौन सा भाग होता है? मायोसिन, फासिकुली और क्या दिया है? एपिमिसियम और एक्टिन दिया है। तो ऑप्शन करेक्ट क्या होगा? डी, एक्टिन, ऑप्शन डी, एक्टिन। निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन मेटल है? गैर धातु। गैर धातु का मतलब क्या होता है? नॉन मेटल। तो नॉन मेटल कौन सा आप लोग बता सकते हैं? आयरन, एल्युमिनियम, जिंक और नाइट्रोजन। तो क्या होगा? आयरन आपका क्या है? मेटल है। एल्युमिनियम में क्या है? मेटल है। जिंक भी मेटल है, बचा क्या? नाइट्रोजन, ऑप्शन डी, नाइट्रोजन क्या आपका? नॉन मेटल है, नॉन मेटल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पी ब्लॉक में पाया जाता है एल्युमिनियम तो वो भी नॉन मेटल होगा। पी ब्लॉक में आपका मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों पाया जाता है, आपको बता दिया गया है, ठीक है। पित्त मूत्राशय में कौन पदार्थ संग्रहित और केंद्रित होता है? लिम्फ, पानी, रक्त या पित्त। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, पित्त। प्रोटीन का एक अभिन्न अंग है एंटीबॉडी, कोशिका, झिल्ली, एंजाइम या सभी विकल्पों में से, ऑल ऑफ दिस। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। मानव शरीर के अतिरिक्त अंगों की छवियों को प्राप्त करने के लिए कौन सी डिवाइस अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करती है? कौन सी डिवाइस? MRI स्कैनर, CT स्कैनर, एक्सरे मशीन या अल्ट्रासाउंड स्कैनर। क्या होगा? अल्ट्रासाउंड स्कैनर, ठीक है, अल्ट्रासाउंड स्कैनर इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी, अल्ट्रासाउंड स्कैनर।
कॉर्निया और रेटिना किस अंग में पाया जाता है? ये सब भी आपका कोई क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन क्या होगा? आइस, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा फैटी एसिड साबुन नहीं बनाता? ठीक है, यहाँ पे पूछा गया नहीं बनाता है, बनाता है ये नहीं पूछा गया है, तो क्या होगा? पेमिटिक एसिड, ओलिक एसिड या ब्यूट्रिक एसिड, और क्या दिया है? स्टीरिक एसिड। तो कौन नहीं बनाता है? ब्यूट्रिक एसिड नहीं बनाता है, ऑप्शन सी, ब्यूट्रिक एसिड। ठीक है, ब्यूट्रिक एसिड। किसकी कमी से स्कर्वी का रोग होता है? क्वेश्चन क्या पूछा है? किसकी कमी से स्कर्वी का कारण बनता है? कौन से विटामिन, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन ए? कौन सा विटामिन स्कर्वी का कारण बनता है? बहुत बार हम तो पढ़ चुके हैं, क्या होगा? विटामिन सी, विटामिन सी। विटामिन से कोई भी क्वेश्चन आए तो एग्जाम में छोड़ना नहीं है, ठीक है, उसको सॉल्व करके आना है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है। ऑप्शन क्या दिया? सी, विटामिन सी। एमलगम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? एल्युमिनियम, मरकरी, आयरन या टंगस्टन? एमलगम में सबसे महत्वपूर्ण धातु कौन सा होता है? तो हम लोग पारा बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? पारा। मरकरी, मरकरी सबसे मेन पार्ट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग एचजी से डिनोट करते हैं। और मरकरी का एटॉमिक नंबर कितना होता है आप लोग कमेंट करके जरा बताएं, एटॉमिक नंबर। कौन से पीरियड, कौन से ग्रुप में होता है ये भी बताया, और क्या बताया? एटॉमिक नंबर कितना होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, मरकरी। ठीक है, एमलगम बनाने के लिए। एक तेल उत्पाद संयंत्र है आम, टमाटर, मूंगफली या आलू, कौन सा इनमें से आपका एक तेल उत्पाद संयंत्र है? तो मूंगफली, ठीक है, ग्राउंड नट हम लोग जिसे कहते हैं, ऑप्शन सी, ग्राउंड नट, मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक फोटोकेमिकल स्मॉग में प्रमुख योगदान करता है? ओजोन, हाइड्रोजन परऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और क्या दिया है? पेरोक्सी नाइट्राइड। क्या होगा? ओजोन, ऑप्शन ए, ओजोन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। छार या भस्म का रंग कैसा होता है? आपको यहाँ पे आप लगेगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया गया है, तो कुछ बड़ा नहीं है, ठीक है, एसिड बेस में आपको बता दिया गया था सारा कॉन्सेप्ट, कि लिटमस पेपर, एसिड बेस में सारा कॉन्सेप्ट बता दिया गया, ठीक है, लिटमस पेपर के बारे में, फेरेक्रिल के बारे में सारा कुछ बता दिया गया है, तो आप लोग वहां से जाकर, वहां पर जाकर देख सकते हैं कि किसने क्या आपको डाउट हो रहा है। तो ऑप्शन क्या दिया है? ब्लू विथ फेनेथिलीन एंड येलो विथ मिथाइल ऑरेंज, ये आपको चार ऑप्शन दिया गया है, पिंक विथ फेनेथिलीन एंड येलो विथ मिथाइल ऑरेंज, ऐसे करके आपको चार ऑप्शन दिया है। तो पहचानना कैसे? आपको बताया था P4P, ये बताया था, मतलब फेनेथिलीन मतलब क्या होगा? पी से फेनेथिलीन और पी से पिंक, ये आपको बताया गया था, ठीक है, पिंक एंड फेनेथिलीन, फेनेथिलीन। तो बस इसको आपको याद करना है, बचा क्या हो? ऑप्शन बी आगे क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा पिंक विथ फेनेथिलीन एंड येलो विथ मिथाइल ऑरेंज, बचा येलो विथ मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, एसिड बेस में ये ट्रिक आपको बता दिया गया, तो वहां पे जाके आप लोग देख सकते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, पिंक विथ फेनेथिलीन एंड येलो विथ मिथाइल ऑरेंज। फेनेथिलीन के साथ कैसा होता है? गुलाबी हो जाता है, और मिथाइल ऑरेंज के साथ येलो हो जाता है, पीला, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, खतरे के संकेत रोशनी के लिए लाल रंग को ही क्यों पसंद किया जाता है? तो ऐसा तो नहीं है, दुनिया में बहुत सारा कलर है, लेकिन सबसे ज्यादा लाल रंग को, यानी रेड कलर को क्यों दिया जाता है, प्रायोरिटी क्यों दिया जाता है डेंजर का निशानी बनाने के लिए? क्योंकि लाल रंग का वेवलेंथ क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, वेवलेंथ क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है वेवलेंथ, मतलब ये बहुत दूर तक जा सकता है तरंगदैर्ध्य, ठीक है, और क्या है, ये बहुत कम स्कैटर होता है, मतलब ये बहुत कम विचलित होता है, बहुत कम विचलित होता है।
विचलित होता है। इसीलिए कभी भी डेंजर का जो निशानी होता है डेंजर, वहां पे आपको रेड कलर नजर आएगा, ठीक है, बैगनी कलर नजर नहीं आएगा। तो ऑप्शन क्या आपका यहाँ पे, बिकॉज रेड कलर लाइट हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड लीस्ट स्कैटर्ड बाय फॉग एंड स्मॉग, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। थैंक यू।